हेलो बच्चों, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। ये सीरीज ऑफ वीडियोस चल रही है जिसमें हम लोग चैप्टर 11 का चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। ये फोर्थ वीडियो है। इसके पिछले वीडियो में हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में देखा, देन यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में देखा, उसमें एक कंपोनेंट जिसका नाम है सेल वॉल, इसके बारे में हमने देख लिया। सो हमने सेल वॉल के बारे में डिटेल में कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप सभी ने वीडियो देखा होगा, एंड अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाइए देखिए, जिससे कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नाउ आज की वीडियो की बात करते हैं, जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेकेंड कंपोनेंट ऑफ यूकैरियोटिक सेल, विच इज सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल में इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सेल मेम्ब्रेन, या उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, या फिर हम उसको बायो मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। देखो, मेम्ब्रेन मीन्स होता है एक पतला सा झिल्ली, ऐसा मीन्स बाउंड्री, एक पतली सी बाउंड्री। तो सेल के आसपास बाउंड्री है, ये सेल है, इसके आर पास में एक बाउंड्री है हल्की छोटी सी, ये देखो ये सेल है। तो ये जो बाउंड्री है, ये पतली सी बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म को बाउंड्री कवर करता है, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। या बायो मेम्ब्रेन, किसी लाइफ साइंस, किसी बायोलॉजिकल सिस्टम में मेम्ब्रेन पाया जाता है, इसलिए इसको बायो मेम्ब्रेन बोला जाता है। तो तीन नाम, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड बायो मेम्ब्रेन, सबका मीनिंग सेम, क्यों बोला जाता है मैंने ये बता दिया। अब देखते थोड़े से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी। सो इट इज वेरी थिन, थिन होता है, बहुत ही पतला होता है। क्वासी फ्लूइड, क्वासी फ्लूइड मीन्स क्या होता है, सेमी फ्लूइड, थोड़ा सा सॉलिड, थोड़ा सा लिक्विड इसके अंदर मिक्स होता है। तो सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है, जो कि स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट बोथ एक्स्ट्रा सेलुलरली एंड इंट्रा सेलुलरली, क्या होता है ये प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट अराउंड मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल। देखो जितने भी सेल्स हैं, सेल्स के अंदर हमने बहुत सारे ऑर्गेनल्स देखे थे, तो देखो सेल ऑर्गेनल्स के अराउंड में भी क्या होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। ये क्या करता है, ये सेपरेट करता है किसको, किसी भी ऑर्गेनेल सिस्टम को उसके साइटोसोल से, साइटोप्लाज्म से। तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या हो गया, ये बहुत ही पतला होता है, थिन होता है, सेमी फ्लूइड होता है, एंड ये क्या करता है, सेल ऑर्गेनेल्स में भी प्रेजेंट होता है, एंड ये सेल को साइटोप्लाज्म से, जो ऑर्गेनेल है उसको साइटोप्लाज्म से सेपरेट करने का काम करता। तो ये था सेल मेम्ब्रेन के बारे में। इसका जो थिकनेस होता है वो अराउंड होता है 75 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट, ये इतना उसकी थिकनेस होती है। एंड ऑल्सो इसके ऊपर बहुत सारे प्रोटीन्स एंड कार्बन, देखो ये एक दिया हुआ सेल, सेल का सेल बायो मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है, उसमें देखो आपको ग्लाइको प्रोटीन, ग्लाइको मीन्स होता है कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, तो इसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स पाए थे। कार्बोहाइड्रेट को देखो कुछ चेन्स भी हैं। सो देर आर डिफरेंट मॉलिक्यूल विच आर अटैच टू दिस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। आई होप आपको स्ट्रक्चर क्लियर होगा। नाउ ये जो आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसको एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था सिंगर एंड निकोलसन, इन दो साइंटिस्ट ने मिलकर इस डायग्राम को एक्सप्लेन किया, इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया कि किस तरह से अरेंज होते। तो उनके मॉडल को हम देखेंगे किस तरह से उन्होंने बताया था। तो देखिए ये है जिसको उन्होंने नाम दिया था फ्लूइड मोजैक मॉडल। फ्लूइड मीन्स वो एकदम लिक्विड की तरह फ्लूइड होता है। मोजैक मीन्स कॉम्प्लेक्स, एक मॉडल था जिसका, देखो ये है फ्लूइड मोजैक मॉडल का है, जहां पर आपको देखो ये बहुत सारे ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर है, ग्लाइकोलिपिड्स आर देयर, प्रोटीन चैनल है, कोलेस्ट्रॉल है, साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स है, देखो ये फिलामेंट्स, दीज आर देन इंटीग्रल मेम्ब्रेन है एंड पेरिफेरल मेम्ब्रेन। अब इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन फ्लूइड मोजैक मॉडल क्या है पहले उसको हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू सिंगर एंड निकोलसन, जो मेम्ब्रेन होता है वो बना होता है किससे बना होता है, वो बना होता है फॉस्फोइड, वो बना होता है मेम्ब्रेन से, बायलर, फॉस्फोलिपिड बायलर से, सॉरी फॉस्फोलिपिड बायलेयर्स मीन्स
जो लिपिड होता है, फॉस्फोराइलेटेड लिपिड होता है, उसके दो लेयर्स होते हैं। देखो यहां पर ये एक हो गया एक लेयर, यहां पर हो गया एक लेयर, तो ये दो लेयर से बना होता है। अब ये फॉस्फोलिपिड के बारे में अगर मैं देखूं यहाँ पर डिटेल में, तो इसको अगर मैं जूम करूं, ये पार्ट को अगर मैं जूम करूं, तो देखो कुछ इस तरह से यहाँ पर ये होता है। इस पे एक हेड होता है और दो टेल होता है। टेल होता है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, फिलिक मीन्स होता है लविंग। क्या होता है? वाटर लविंग होता है, जहां भी वाटर रहेगा वहां पर हेड रहेगा। और जो इसका जो टेल है, ये जो आपको जो पूंछ दिख रही है, ये टेल हाइड्रोफोबिक होता है, जहां भी पानी रहेगा ये पानी से दूर रहेगा। तो इसलिए ये इस तरह से अरेंज करते हैं, क्योंकि देखो अभी एक सेल है, तो सेल के अंदर भी वाटर है, साइटोप्लाज्म है, और बाहर भी वाटर हो सकता है। तो इसलिए जो आउटर मोस्ट में जो पार्ट है वो हमेशा क्या होगा? हेड होगा, हाइड्रोफिलिक होगा, जो पानी को प्यार करेगा उस तरफ। जो हाइड्रोफोबिक रीजन है वो क्या हो जाता है? वो इनर साइड में पाया जाता है। तो इस तरह से हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक दो होते हैं। ये आपके कॉन्सेप्ट में नहीं है, बट मैं आपको एडिशनल बता रहा हूं। नेक्स्ट ऑल्सो क्या होता है? देर आर सम प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? बहुत सारे प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखो देखो ये दिख रहा है, ये आपको प्रोटीन्स है, दीज आर प्रोटीन्स, ये सब प्रोटीन्स है, ये तीनों क्या है? प्रोटीन्स है। लेकिन इन प्रोटीन के भी देखो अलग अलग है। एक जो प्रोटीन है वो केवल आधा ही है, एक साइड ही है, ये में भी इधर भी हो सकता है, इधर भी, ये पूरा एक्सपैन नहीं है, पूरा स्पैन में नहीं, जस्ट इतने से पार्ट में है, ये वाला जस्ट ऊपर पार्ट है। तो ऐसे प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? पेरिफेरल मतलब ये खाली बाहर साइड में, चाहे बाहर साइड में या अंदर साइड में, इस मेम्ब्रेन में नहीं। लेकिन जो ये ब्लू वाला आपको प्रोटीन दिख रहा होगा, ये क्या है? ये पूरा प्रोटीन स्पैम है, पूरा मेम्ब्रेन को आर पार कर रहा है। तो इसको बोलते हैं हम लोग इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक प्रोटीन। और ये प्रोटीन क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन में किसी मटेरियल को यहां से वहां लेकर जाने में हेल्प करता। तो सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स के भी दो टाइप है, जो बाहर वाले जो कि हाफ पूरा आर पार नहीं है, उसको बोलते हैं हम लोग पेरिफेरल प्रोटीन्स, क्योंकि वो केवल पेरिफेरी में पाए जाते हैं। और ऐसे प्रोटीन जो पूरा स्पैम में आर पार होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। ऑल्सो यहां पर सम कार्बोहाइड्रेट की चेन भी दिखाई देती है, तो सम कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो प्रेजेंट, जिसको हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। सम कॉम्प्लेक्स होते हैं प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग प्रेजेंट ऑन दिस मेम्ब्रेन। ये सबसे पहले किसने बताया था? साइंटिस्ट सिंगर एंड निकोलसन ने। तो इसी को बोलते हैं हम लोग फ्लूइड मोजैक मॉडल। आई होप आपको फ्लूइड मोजाइक मॉडल के बारे में पता है। चलिएगा फिर से देख लेते हैं। तो ये मॉडल किसने दिया था? दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने इन 1972 में इस मॉडल को दिया था। कब दिया था? 1972। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, दिस इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बायलेयर। देखो मैंने बताया ना, फॉस्फोलिपिड का बायलेयर होता है, ये है फॉस्फोलिपिड, इसका दो लेयर बायलेयर पाया जाता है। नेक्स्ट, प्रोटीन्स कैन चेंज देयर पोजीशन। ये जो प्रोटीन्स है, ये जो प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन्स क्या करते हैं? अपने पोजीशन को, यहां से यहां पहुंच गया, यहां से यहां पहुंच गया, ये अपने पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं। ये जो क्या कर सकते हैं? ये अपने पोजीशन को, यहां से यहां आ गया, ये यहां से यहां आ गया, अपने पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, सम प्रोटीन्स आर इंट्रिंसिक, सम आर एक्सट्रिंसिक फ्रॉम बोथ साइड। तो देखो ये है, इसको ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है, और ये जो पेरिफेरल प्रोटीन है इसका दूसरा नाम है एक्सट्रिंसिक। क्या बोलते हैं इनको? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये दोनों साइड हो सकते हैं, इस साइड भी हो सकते हैं, यहां पर भी, दोनों साइड भी ये प्रोटीन पाए जाते। नेक्स्ट, क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। क्वासी
क्वासी फ्लूइड मीन्स सेमी फ्लूइड की वजह से, फ्लूइडिटी की वजह से क्या होता है, ये प्रोटीन्स एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस इट, कि कोई मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करना है उसमें हेल्प करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये दो टाइप का होता है, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब बोलोगे भैया ये पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, जैसे अगर मैं आपको सिंपल सा एक बताऊं एग्जांपल लेके, तो देखो एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है, अब इस बिल्डिंग पे मैं यहां पर खड़ा हूं या कोई एक बंदा है जो यहां पर खड़ा है, अब इसके हाथ में है एक बॉल, अगर इस बॉल को यहां से ये छोड़ेगा तो क्या होगा, ये अपने आप फॉल डाउन करके नीचे आ जाएगा। इस मूवमेंट में क्या उसको कोई भी फोर्स लगाना पड़ेगा क्या, नहीं, ये जस्ट ग्रेविटी के फोर्स में, ये ग्रेविटी के फोर्स में क्या होगा, सीधा नीचे तुरंत अपने आप गिर जाएगा। तो इस तरह का जो मूवमेंट होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, जहां पर क्या होता है एक तरफ बहुत ज्यादा है एक तरफ कम है तो अपने आप ज्यादा से कम की ओर क्या होगा मूव करे, इसको बोलते हैं हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो क्या होता है कभी कभी कोई भी सॉल्ट, समझो सोडियम सॉल्ट है, ये बाहर बहुत ज्यादा है, अब क्या होगा पोर्ट के थ्रू, इस पोर्ट प्रोटीन के थ्रू क्या होगा ये ट्रांसफर होकर तुरंत आ जाएगा क्योंकि अंदर कम है तो आ जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट। ना अब बोल के भैया चलो पैसिव तो समझ में आ गया कि जहां पर खर्चा नहीं होता है डायरेक्ट बस जाओ, जैसे आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो आपका कुछ खर्चा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो दिस इज काइंड ऑफ पैसिव टाइप है कि आपका कुछ पे करना नहीं पड़ रहा है, फ्री में आपको मेरा पढ़ ले रहा हूं। नेक्स्ट है अगर इस ये बंदा यहां पर होता, क्या होता यहां पर होता एंड इसके हाथ में बॉल होता एंड अगर इस बॉल को यहां पर फेंकना होता तो क्या करना पड़ता है, इसको फोर्स अप्लाई करना पड़ता, जैसे इसी सिनेरियो को ले लो तो इसको लोग बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जहां पे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उसको बोलते हैं, एनर्जी स्पेंड करना पड़ेगा उसको बोलते हैं हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यहां पर क्या होगा, जैसे पकड़ लो कि सेल के अंदर भर भर के सोडियम है और बाहर कम है तो क्या होगा, सेल के पास पहले से ही कम है, बाहर बहुत सारा है लेकिन फिर भी सेल को बाहर भेजना है, सेल को इसको बाहर भेजना है, तब वो क्या करेगा, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता। तो इस तरह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट दो तरह का ट्रांसपोर्टेशन होता है। पोलार मॉलिक्यूल्स होते हैं दीज पोलार मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू नॉन पोलार लिपिड, लिपिड जो नॉन पोलार है उससे पास नहीं हो सकते, इसके लिए हमें कैरियर प्रोटीन्स उनको लेके जाने की जरूरत पड़ती है, तो कैरियर प्रोटीन्स की नीड होती। तो ये था प्रोटीन्स के बारे में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करिए, कमेंट में आप कुछ भी डाउट है उसके आंसर्स मैं आपको दूंगा। एंड ऑल्सो अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब इट, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम लोग बात करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में, साइटोप्लाज्म क्या क्या चीजें होती है उसके बारे में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।